लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ताबड़तोड़ कार्यक्रम कर रही है। इन कार्यक्रमों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं समेत कई कार्यकर्ता भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। होडल के करमन गांव में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस नेता बंधीर सिंह मान ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी ने बहुत सोच समझकर महेंद्र प्रताप को फरीदाबाद लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। साथ ही बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर पर तंज कसते हुए बंधीर सिंह मान ने कहा कि मौजूदा सांसद ने पूरे 10 साल सिर्फ अपनी जेब में भरी है, फरीदाबाद के विकास के नाम पर सिर्फ लूट की है, जिसके कारण आज फरीदाबाद के प्रत्येक व्यक्ति के मन में उनके खिलाफ रोष है। मंदिर सिंह मान ने कहा कि इन 10 सालों में फरीदाबाद को बिल्कुल निचले स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है। और जिस इच्छा से हम लोग यहाँ पर आए हैं, हमारे भावों को समझो, क्योंकि हमारे भाव बिल्कुल देश के हित के लिए हैं। और जो हमारे देश का आज हाल हुआ पड़ा है वो आप सभी को पता है। हमारा प्रत्याशी है जो कृष्ण पाल गुर्जर, इसने सिर्फ फरीदाबाद को नीचे स्तर पर ले जाने का काम किया है, लूटने का काम किया है, बर्बाद करने का काम किया है। इसने किसी भी जाति की कोई सुनवाई नहीं की, चाहे वो गुजरी हो, चाहे कोई भी 36 बारादरी का आदमी हो। इसके अंदर इतना अहंकार आ गया कि भाई सोचता है कि मैं तो मोदी के नाम पे जीत जाऊंगा और जनता के लिए कुछ करना ना है। पिछले इलेक्शन में भी ये कहता था कि मुझे टिकट मत दो, पर कोई बात ना, मेरा मोह घर दामन में घुस तो लेने दो। और अब के भी यही हाल है, लेकिन अब जनता मोदी के ड्रामे ने भी समझ गई है, वहां के झूठे भी समझ गई है। वादे भी सिर्फ थाली बजवाने को और ताली बजवाने को। काम करो सरदारों, देश में कोई विकास को काम ना करो। जो भी जाने भी आवाज उठाने की कोशिश करी भ्रष्टाचार के खिलाफ, वाई पे ईडी बैठा दी, उई भीतर ढुकवा दी हो, पूरी दादागिरी थे जो आज देश में यानी त्राही त्राही मछवारा किया। आज देश को हर नौजवान, हर जवान, हर बच्चा, हर बुजुर्ग जान चुका है किस कदर इसने किसान पिटवाए लाठियों से। मोहना में भी महीनों महीनों से धरने चल रहे हैं, वहां के किसान इतने परेशान हैं, उनकी होरी वही मन रही है, दिवाली वही मन रही है, करवा चौथ वही मन रही है, तीज वही मन रही है, लेकिन यह पहली सरकार ने कोई सुनवाई ना करी। कांग्रेस पार्टी में भी धरने लगे करे, लेकिन बहुत जल्दी उनकी सुनवाई हो करेगी और किसान और जवान की आवाज सुनी जाए करेगी, लेकिन इन भ्रष्टाचारियों ने अहंकार में किसी की भी नहीं सुनी। और आज जो हमारा प्रत्याशी है कृष्ण पाल गुर्जर, यो के अहंकार थे एक पत्थर की लकीर है कि मैं तीसरी बार भी जीत गए आपको, आज इनको इतना घमंड सर चढ़ के बोल रहा हूं। तो आप सबसे मैं यही कहूंगा, आपके दिल में हर तरह का दर्द है। आपको पता है किसान जवान हर वर्ग या सरकार में परेशान रहा है, और कृष्ण पाल ने जो अति कही है हमारे क्षेत्र के साथ वो भी आप सबको पता है। तो जो घमंडी कह रहा हो ना कि 10 लाख के पार जीतेंगे, 10 लाख के पार जीतेंगे, उन सब चीजें तो भूल गए। पर अब जनता ने ठान ली है, एक तेरे घमंड तो